हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है प्रिपरेशन फॉर एनएसओ 2020 का। तो चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स 1 to 4 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज ट्रू एंड फॉल्स। सिल्क इज अ सेलुलोजिक फाइबर। देखिए दोस्तों, जो सिल्क होती है वो एक प्रोटीनियस फाइबर होती है, ना कि सेलुलोजिक फाइबर, तो इसलिए ये फॉल्स होगी, यानी कि ए और सी में से कोई एक होगी। अब दोस्तों, ये जो हेयर ऑन ए शीप्स बॉडी इज कॉल्ड फ्लीस। हाँ दोस्तों, जो शीप का जो बॉडी पे जो हेयर होती है उसको हम फ्लीस कहते हैं। तो दोस्तों, सेकंड वाले पे खाली सी वाले पे सेकंड वाला ट्रू है, तो इसका मतलब दोस्तों जो फर्स्ट का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है थर्ड वाला। दोस्तों अब दोस्तों हम चलेंगे सेकंड वाले पे। मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो। क्लॉथिंग मटेरियल, देखिए दोस्तों कॉलम 1 पे है क्लॉथिंग मटेरियल ट्विस्टेड फाइबर, सिंथेटिक फाइबर, एनिमल फाइबर और प्लांट फाइबर, और कॉलम 2 पे है नायलॉन फैब्रिक, यार्न, जूट, उल। तो अब देखिए दोस्तों, जो हमारी क्लॉथिंग मटेरियल होती है वो फैब्रिक होती है दोस्तों, और जो ट्विस्टर फाइबर होती है, ट्विस्टर फाइबर जो होती है वो हमारी यार्न होती है, जो सिंथेटिक फाइबर नायलॉन हमें पता है, एनिमल फाइबर हमें पता है वुल, और जो प्लांट फाइबर हमें पता है जूट। तो दोस्तों इसका मतलब कौन सा हुआ कि हमारा ए वाला 2 हुआ, ए वाला 2 यानी कि बी और सी में से कोई एक होगा, फिर बी वाला हमारा 3 हुआ है, फिर सी वाला हमारा 1 हुआ है, सिंथेटिक फाइबर यानी कि नायलॉन हुआ है। तो दोस्तों इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन है थर्ड वाला ऑप्शन। तो दोस्तों अब हम चलेंगे हमारा थर्ड वाले पे। द गिवन फिगर शोज अ टूल विच इज यूज टू कन्वर्ट वूल फ्लीस इनटू नैरो ट्विस्टेड फाइबर्स कॉल्ड स्लीवर्स। दिस टूल इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ डैश ऑफ वूल, शियरिंग, कार्डिंग, स्कोरिंग, सॉर्टिंग। तो दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कार्डिंग। देखिए दोस्तों, जो कार्डिंग प्रोसेस होती है, वो कार्डिंग प्रोसेस पे जो वूल होती है वूल फ्लीस को, उसको स्ट्रेटन किया जाता है, जिसका मतलब दोस्तों थर्ड वाला का जो करेक्ट ऑप्शन है वो कार्डिंग है, यानी कि ये जो प्रोसेस है जिसपे अनट्विस्टेड फाइबर्स को नैरो और उसको स्ट्रेटन किया जा रहा है, उस प्रोसेस को हम कार्डिंग कहते हैं। अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। देखिए, एस्बेस्टोस इज द ओनली नेचुरल ऑकरिंग लॉन्ग मिनरल फाइबर्स। हाँ दोस्तों, ये वाला हमारा करेक्ट है। जो एस्बेस्टोस होते हैं वो एक ही खाली नेचुरली ऑकरिंग लॉन्ग मिनरल फाइबर होती है। मेरिनो इज एन एक्सोटिक ब्रीड ऑफ शीप। हाँ दोस्तों, जो मेरिनो होती है, मेरिनो शीप, वो एक एक्सोटिक ब्रीड ऑफ शीप है, प्योर मेरिनो शीप जो होती है। फिर जो हेयर प्रेजेंट ऑन बॉडी ऑफ वूल यील्डिंग एनिमल्स ट्रैप अ लॉट ऑफ हेयर। हाँ दोस्तों, जो हेयर होती है वूल यील्डिंग एनिमल्स को, यानी कि जो वूल होती है, फ्लीस होती है उनका, उस पर वो फ्लीस जो होती है वो एक बहुत बहुत हेयर को वो ट्रैप करके रखती है। अब दोस्तों, फिब्रोइन इज द गम्मी सब्सटेंस दैट होल्ड द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ सेरिसिन ऑफ ए सिल्क फाइबर टुगेदर। नहीं दोस्तों, जो सेरिसिन होती है वो एक गम्मी सब्सटेंस होती है जो 2 स्ट्रैंड्स ऑफ फाइब्रोइन ऑफ सिल्क फाइबर को एक साथ पकड़ के रखती है। तो जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो वाला ए वाला है। तो दोस्तों जो फोर्थ वाला का करेक्ट ऑप्शन वो वाला ए है। अब दोस्तों फिफ्थ वाले, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो। देखिए, कॉलम 1 पे है मटेरियल जैसे सिल्क, वूल और नायलॉन, और कॉलम 2 पे है स्मेल ऑन बर्निंग, जो कि है बर्निंग प्लास्टिक, चेयर, मीट और बर्निंग है। तो अब देखिए दोस्तों, ये जो सिल्क है, सिल्क जब हम उसे बर्न करते हैं तो उसका जो स्मेल आती है वो होती है मीट की तरह, चेयर मीट की तरह, और जो वूल होती है, वूल का जो स्मेल ऑन बर्निंग होती है वो होती है बर्निंग हेयर की तरह, और जो नायलॉन है वो एक आर्टिफिशियल फाइबर है, इसलिए वो उसको बर्निंग करने से उसका स्मेल होती है प्लास्टिक की तरह। तो दोस्तों फिफ्थ वाला का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो वाला होगा डी वाला। अब दोस्तों हम चलेंगे सिक्स्थ वाले पे। द गिवन टेबल एनलिस्ट टाइप्स ऑफ सिल्क एंड प्लांट्स ऑन द लीव्स ऑफ विच द रिलेटेड सिल्क वर्म फीड्स, सिलेक्ट द ऑप्शन विच कम्प्लीट्स द टेबल। देखिए दोस्तों, मलबेरी जो मलबेरी सिल्क होती है वो मलबेरी का जो लीव्स जो होती है, मलबेरी लीव्स जो होती है वो रिलेटेड होती है,
यानी कि जो मलबेरी सिल्क वर्म होती है वो मलबेरी लीव्स पे खाती है। जो मुगा सिल्क होती है, वो मुगा सिल्क जो होती है वो सोम और सोआलू प्लांट्स पे करती है। तो इसका मतलब ए वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। एरी जो होती है, एरी कैस्टर खाती है, कैस्टर लीव्स जो होती है, कैस्टर प्लांट का लीव्स जो होती है उसको खाती है। और दोस्तों ये जो तुसर है वो अर्जुन प्लांट का लीव्स को खाती है। तो दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा ए वाला होगा। अब दोस्तों हम चलेंगे हमारे सेवेंथ वाले पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए सिल्क मॉथ प्रोड्यूसेस सिल्क फाइबर्स। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन पे, ये जो जब सिल्क फाइबर्स प्रोड्यूस करती है ये कैटरपिलर, क्योंकि वही प्यूपा को बनाती है और उस प्यूपा से हमें सिल्क फाइबर्स मिलती है। तो इसका मतलब दोस्तों जो सिल्क मॉथ होती है, सिल्क मॉथ का हिस्ट्री पे, लाइफ हिस्ट्री पे, उस पे जो लार्वा होती है ये कैटरपिलर होती है वही प्रोड्यूस करती है सिल्क फाइबर्स को। अब दोस्तों वुल इंडस्ट्री इज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मेनी पीपल इन आवर कंट्री, बट सॉर्टर्स जॉब इज रिस्की, समटाइम्स दे गेट इन्फेक्टेड बाई ए डैश कॉल्ड डैश विच लीड्स टू अ फैटल लंग डिजीज कॉल्ड सॉर्टर्स डिजीज। तो देखिए दोस्तों ये जो सॉर्टर्स जॉब है, वो सॉर्टर्स जॉब जो होती है, मतलब वो जो लोग होते हैं, जो लोग होते हैं वुल इंडस्ट्री पे, उन लोग को एक बैक्टेरियम से इन्फेक्टेड होती है उन लोग, जिसको हम कहते हैं उस बैक्टीरियम को बैसिलस एंथ्रेसिस। दोस्तों ये जो वुल इंडस्ट्री के जो लोग होते हैं, उन लोग एक बैक्टीरियम जिसका नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस, उससे उन लोग अफेक्टेड होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो वाला ए होगा दोस्तों। और ये जो बैसिलस एंथ्रेसिस जो डिजीज कॉज करती है उसको हम सॉर्टर्स डिजीज कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम नाइन्थ वाले पे चलेंगे। पिक द ऑड वन आउट फ्रॉम ईच सीरीज गिवन बिलो एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देखिए दोस्तों मुगा, कोसा, कश्मीर, तुसर। देखिए दोस्तों ये जो मुगा है, कोसा है और ये जो तुसर है, ये तीनों ही सिल्क के टाइप्स है, लेकिन ये जो कश्मीर है ये एक वुल के टाइप है। ये जो कश्मीर होती है वो हमें कश्मीर गोट से पाई जाती है। तो दोस्तों इसके कारण ये जो होगा बी या सी होगा। अब दोस्तों लार्वा, प्यूपा, सिल्क मॉथ, टैडपोल। देखिए दोस्तों जो सिल्क मॉथ का जो लाइफ हिस्ट्री होती है उस पे लार्वा भी होती है, प्यूपा भी होती है और सिल्क मॉथ भी होती है, लेकिन टैडपोल नहीं होती है। इसके कारण जो करेक्ट ऑप्शन जो ऑड वन आउट होगा इस पे हमारा टैडपोल होगा। तो दोस्तों इसका मतलब हमारा कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, बी वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। ठीक है, और वो जो अब ये जो देखिए, ये पटनवाड़ी, मारवाड़ी, पश्मीना, लोही। देखिए दोस्तों ये जो हमारा पटनवाड़ी, मारवाड़ी और लोही है वो वुल हमारा शीप ब्रीड से पाई जाती है, लेकिन ये जो पश्मीना है वो एक वुल होती है जो गोट ब्रीड से पाई जाती है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट, ये जो ऑड वन आउट होगा वो वाला पश्मीना होगा। तो दोस्तों इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ बी वाला। अब हम चलेंगे हमारे टेंथ वाले पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट रिप्रेजेंट ए प्रॉपर्टी ऑफ वुल, वुल फाइबर शोज इलास्टिसिटी। हाँ दोस्तों ये जो वुल होती है वो इलास्टिसिटी शो करती है। वुल कैन एब्जॉर्ब मॉइस्चर, हाँ दोस्तों वुल जो होती है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकती है। वुल इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, हाँ दोस्तों ये जो वुल है वो एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। अब दोस्तों ये है लास्ट वाला कि वाइल बर्निंग वुल गिव्स अ स्मेल ऑफ बर्निंग पेपर। देखिए दोस्तों जब किसी वुल को हम बर्न करते हैं तो उसका जो स्मेल होती है वो हेयर का, वो बर्निंग ऑफ हेयर जैसा स्मेल आती है। जो बर्निंग पेपर का जो स्मेल आती है वो जब हम कॉटन को बर्न करते हैं तब उसका स्मेल आता है बर्निंग पेपर की तरह, लेकिन दोस्तों जो वुल का जो बर्निंग होता है उस पर एक स्मेल आती है जो हेयर का बर्निंग की तरह होती है। तो दोस्तों इसका हमारा जो इनकरेक्ट ऑप्शन होगा वो जो प्रॉपर्टी ऑफ वुल नहीं दिखाती है वो वाला हमारा डी वाला है। अब दोस्तों हम इलेवेंथ वाला देखेंगे। इन द गिवन टेबल आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच ऑफ द नेम ऑफ द ब्रीड, क्वालिटी ऑफ वुल एंड स्टेट वेयर द ब्रीड इज फाउंड। देखिए दोस्तों लोही हमें गुड क्वालिटी वुल देती है जो वुलन फैब्रिक्स को बनाने के लिए हेल्प होती है। दोस्तों ये वाला हमारा करेक्ट है। और ये जो लोही है, लोही राजस्थान और पंजाब पे पाई जाती है। तो दोस्तों इसका मतलब वन जो है ये वाला हमारा करेक्ट है। और सेकंड वाला जो रामपुर बुशेर, ये जो रामपुर बुशेर होती है, इस रामपुर बुशेर ब्राउन वुल देती है, ठीक है, जो हमारा वुलन ब्लैंकेट्स पे बनाने की काम आती है। तो ये वाला जम्मू एंड कश्मीर पे दोस्तों नहीं होती है ब्रीड, ये होती है हमारा उत्तर प्रदेश और
हिमाचल प्रदेश पे। तो ये वाला जो है ये वाला हमारा रॉन्ग है। अब थर्ड वाला है पतनवाड़ी। देखिए दोस्तों ये जो पतनवाड़ी है वो गुजरात पे पाई जाती है और वो गुड क्वालिटी वूल देती है। तो दोस्तों ये वाला भी हमारा रॉन्ग है। अब दोस्तों ये वाला जो नाली है, नाली हाँ दोस्तों ये कारपेट वूल के लिए ये कारपेट वूल देती है और ये राजस्थान और हरियाणा पे ब्रीड होती है। इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ 1 वाला और 4 वाला। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा बी वाला होगा। अब हम 12th वाले पे चलेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग सेरिकल्चर। आफ्टर हैचिंग द सिल्कवर्म्स आर फेड ऑन फ्रेशली चॉप्ड मैंगो लीव्स। नहीं दोस्तों ये मैंगो लीव्स पे फेड नहीं होती है, ये मलबेरी लीव्स पे फीड होती है। द सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून्स बाय प्रोसेस नोन एज रीलिंग। हाँ ये वाला हमारा करेक्ट है। इफ एन एडल्ट इज अलाउड टू एमर्ज आउट फ्रॉम कोकून द कोकून बिकम्स यूजलेस फॉर सिल्क प्रोडक्शन। हाँ ये वाला भी हमारा करेक्ट है। तो इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन वाला है 2 और 3। देखिए इस पे 2 और 3 कौन सा है, 2 और 3 हमारे सी वाला पे है। तो इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन सी वाला है। अब दोस्तों हम चलेंगे हमारा 13th वाले पे। रीड द गिवन पैराग्राफ केयरफुली। द फीमेल सिल्क डैश लेज एग्स। देखो दोस्तों जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है वो एग ले करती है। तो जो फर्स्ट वाला होगा वो मॉथ होगा, यानी कि ए सी और डी, इन तीनों में से कोई एक होगा। अब देखिए व्हेन एन एग हैचेस अ टाइनी कैटरपिलर कॉल्ड सिल्क वर्म और डैश क्रॉल्स आउट। तो जो जो आती है एग से निकलती है वो लार्वा होती है। अब इट फीड्स ऑन लीव्स एंड ग्रोज। व्हेन इट इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज इन इट्स लाइफ साइकिल इट सीक्रेट्स अ फाइबर मेड ऑफ डैश। तो ये जो सिल्क होती है वो एक प्रोटीनियस फाइबर होती है, यानी कि ए और सी में से कोई एक होगा। विच हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू एयर। दिस इज द सिल्क फाइबर। इट कवर्स इटसेल्फ कम्प्लीटली विद दिस फाइबर टू फॉर्म ए डैश। तो ये जो होती है ये जब कम्प्लीटली अपने आप को पूरा क्लोज कर लेती है उस फाइबर से, उसको हम प्यूपा स्टेज कहते हैं। जिसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए वाला। और एट दिस स्टेज द लार्वा इज कॉल्ड कोकून। ठीक है दोस्तों अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट वाले पे। रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 सॉर्टर्स डिजीज इज एन ऑक्यूपेशनल हैजार्ड इन वूल ऑब्टेनिंग प्रोसेस ड्यूरिंग सेपरेशन ऑफ हेयर द पर्सन गेट्स इन्फेक्टेड बाय बैसिलस एंथ्रेसिस। देखिए ये जो सॉर्टर्स डिजीज होती है वो एक ऑक्यूपेशनल हैजार्ड होती है, ये वाला करेक्ट है। और इन वूल ऑब्टेनिंग प्रोसेस ड्यूरिंग सेपरेशन ऑफ हेयर द पर्सन गेट्स इन्फेक्टेड बाय बैसिलस एंथ्रेसिस। दोस्तों जब वो स्कोरिंग करते हैं तब वो पर्सन इन्फेक्टेड होती है बैसिलस एंथ्रेसिस से। इसका मतलब सेकंड वाला हमारा रॉन्ग है। इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, स्टेटमेंट 1 is true बट स्टेटमेंट 2 is false। इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन सी वाला होगा। अब हम चलेंगे हमारे 15th वाले पे। रिफर टू द गिवन फिगर एट विच लेवल स्टेज मोल्टिंग ऑकर्स। देखिए दोस्तों ये जब ये सिल्क मॉथ कैटरपिलर का स्टेज होती है या फिर लार्वा के स्टेज होती है तब ये मोल्टिंग होती है। तो इसका मतलब जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ये वाला हमारा बी वाला होगा, ओनली क्यू। अब स्वाटी टेक्स एक्स फैब्रिक एंड बर्न्स इट। शी ऑब्जर्व्स द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द फैब्रिक। तो इट बर्न्स बट डज नॉट मेल्ट। देखिए दोस्तों ये जो सिल्क होती है वो बर्न होती है लेकिन मेल्ट नहीं होती है। इट श्रिंक्स फ्रॉम फ्लेम। हाँ ये जो सिल्क होती है वो ये फ्लेम पे आने के पे ये श्रिंक होती है। इट गिव्स ऑर्डर ऑफ चैड मीट वाइल बर्निंग। हाँ दोस्तों ये जो सिल्क होती है वो बर्निंग के समय वो चैड मीट का स्मेल देती है। इट लीव्स रेसिड्यू आफ्टर बर्निंग विच इज ब्लैक हॉलो इरेगुलर बीड दैट कैन बी इजिली क्रश्ड ऑन ए क्रश्ड टू ए ग्रिटी ब्लैक पाउडर। हाँ ये जो सिल्क होती है ये जब ये बर्न होती है तो इस पर एक रेसिड्यू होती है जो होती है एक ब्लैक हॉलो और इरेगुलर बीड होती है जिसको हम इजिली एक ग्रिटी ब्लैक पाउडर पर क्रश कर सकते हैं। इट इज़ सेल्फ एक्सटिंग। हाँ दोस्तों ये जो सिल्क होती है वो सेल्फ एक्सटिंग्विशिंग होती है। दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो वाला ए होगा जो कि है सिल्क। अब हमारा नेक्स्ट वाला है 17th वाला। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड सिलेक्ट द ऑप्शन विद करेक्टली आइडेंटिफाइज द ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स।
synthetic fibers are the fibers that are the fibers that are made from chemicals. Angora wool is obtained from angora rabbit. The wool. तो देखिए दोस्तों ये जो synthetic fibers होती है वो एक fibers होती है जो chemicals से बनती है. ये वाला हमारा correct है. Angora wool is obtained from angora rabbit. हाँ दोस्तों ये जो angora wool होती है वो angora rabbit से पाई जाती है. और जो mohair होती है वो angora goat से पाई जाती है. तो first और second दोनों ही true है. The wool obtained from Patanwadi breed of goat is used for hosiery. हाँ दोस्तों ये जो Patanwadi से जो wool पाई जाती है Patanwadi breed से breed of goat से वो hosiery के लिए काम आती है. तो ये वाला भी हमारा true है. Third वाला भी हमारा true है. अब silk is the weakest of all natural fibers. नहीं दोस्तों silk जो होती है वो सबसे hardest होती है. Weakest नहीं होती है. तो इसका मतलब हमारा correct option है C वाला. जिसका मतलब अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द प्लांट फाइबर्स आर मेड अप ऑफ डैश विच इज अ स्ट्रक्चरल मटेरियल इन द प्लांट वर्ल्ड. देखिए दोस्तों जो प्लांट फाइबर्स होती है वो सेलुलोज से बनी हुई होती है. ठीक है इसका मतलब ये वाला हमारा रॉन्ग है. जो ये वाला होगा वो हमारा सेलुलोज होगा. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून टू यूज एज सिल्क इज कॉल्ड एज. The process of taking out threads from the cocoon to use as silk, इसको दोस्तों हम reeling कहते हैं. जिसका मतलब ये जो बी वाला होगा ये वाला हमारी reeling होगा. ये वाला हमारा करेक्ट हो सकता है. ये वाला हमारा रॉन्ग होता है दोस्तों क्योंकि बी वाला हमारा rearing नहीं reeling है. The sheared hair of sheep is moved through tubes filled with soapy water to remove dust, dirt and grease. This is known as. तो दोस्तों जब the sheared hair of sheep is moved through tubes filled with soapy water to remove dust, dirt and grease. This is known as. तो दोस्तों इसको हम removal of burr कहते हैं. तो इसी वाला हमारा removal of burr होगा जो कि हमारे इन दोनों option पे नहीं है. Mohair spun from the fleece of angora goat. तो दोस्तों ये जो डी वाला होगा एंगोरा एंगोरा गोट होगा. एंगोरा रैबिट नहीं दोस्तों क्योंकि एंगोरा रैबिट से हमें एंगोरा वूल मिलती है. एंगोरा गोट से हमें मोहेर मिलती है जो कि जिसको हम डायमंड फाइबर भी कहते हैं. तो अब हम चलेंगे हमारे 19 वाले पे. रिफर टू द गिवन फ्लो चार्ट एंड सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पी क्यू आर एंड एस. डज द सोर्स ऑर्गेनिज्म इज स्किल्ड इन द फाइबर ऑब्टेनिंग प्रोसेस. यस. बर्निंग फाइबर स्मेल्स लाइक बर्निंग पेपर. नो. तो देखिए जो आर होती है आर जब उसको हम बर्न करते हैं तो वो बर्निंग पेपर की तरह स्मेल नहीं होती है लेकिन इस पे ऑर्गेनिज्म जो होती है वो किल होती है. तो इसका मतलब दोस्तों ये हमारा हो सकता है सिल्क हो सकता है. दोस्तों ये वाला हमारा सिल्क हो सकती है क्योंकि सिल्क जो हमारा कैटरपिलर होती है उसे हम किल करके फिर उससे हमें सिल्क फाइबर मिलती है. और जूट भी हो सकता है दोस्तों क्योंकि जूट का जो स्टेम होता है उससे हमें जूट पाई जाती है. तो इस पर जो जूट होती है उसको बर्न करने से उस पर भी बर्निंग पेपर का स्मेल आती है. इसका मतलब एस जो होगा वो वाला हमारा जूट होगा. अब हम चलेंगे नीचे की तरफ. डज द सोर्स ऑर्गेनिज्म इज स्किल्ड इन द फाइबर ऑब्टेनिंग प्रोसेस. नो. बर्निंग फाइबर स्मेल्स लाइक बर्निंग एयर. यस. और इसका मतलब पी जो है उस पर ऑर्गेनिज्म किल नहीं होती है और उस पर जो बर्निंग फाइबर होती है वो हेयर की तरह स्मेल होती है. इसका मतलब दोस्तों ये पी वाला वूल हो सकती है. इस पे क्यों वाला है कि उस पे बर्निंग हेयर का स्मेल नहीं आती है. अब दोस्तों हम चलेंगे हमारे ऑप्शंस पे. पी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर. पी वुल. देखिए दोस्तों वुल जो होती है वो स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर नहीं होती है. जो सिल्क होती है वो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर होती है. तो वाला फर्स्ट वाला हमारा रॉन्ग है. क्यू इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड आर इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. देखिए दोस्तों जो आर है वो सिल्क होती है और सिल्क प्रोटीन से बनी होती है और जो आर है हमारा तो ये जो सिल्क होती है वो हमारा प्रोटीन से बनी होती है यानी कि सेलुलोज से नहीं. तो ये वाला हमारा रॉन्ग है.
और जो हमारा तो इसका मतलब दोस्तों हमारा ये वाला रॉन्ग है। अब हम चलेंगे हमारा सी वाला ऑप्शन पे। एस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड ऑफ सोर्स ऑर्गेनिज्म। देखिए दोस्तों एस जो है वो जूट है। नहीं दोस्तों, जो जूट प्लांट होती है उसका जो स्टेम होती है उससे हमें पाई जाती है जूट, तो ये वाला भी हमारा रॉन्ग है। आर इज कंपोज्ड ऑफ फाइब्रोइन एंड सेरिसिन। देखिए दोस्तों ये जो सिल्क होती है, सिल्क जो होती है सिल्क पे फाइब्रोइन और सेरिसिन भी होती है, तो ये वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी वाला। अब दोस्तों हम चलेंगे हमारे 20th क्वेश्चन पे। फॉलोइंग इज अ रैंडम सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेसिंग ऑफ वूल। अरेंज दिस स्टेप्स इन द करेक्ट सीक्वेंस एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट हमें क्या की जाती है, फर्स्ट हमें शियरिंग की जाती है वूल पे, तो पहले हमें 3 आएगा, फिर इसको हमारा स्कोरिंग की जाती है, ठीक है, तो 3 के बाद 1 होगी, यानी कि डी भी हो सकते हैं या 1 भी हो सकती है। अब फिर स्कोरिंग के बाद दोस्तों इसको स्कोरिंग होने के बाद इस पर सॉर्टिंग की जाती है, इसका मतलब फिर ये वाला होगा, ये वाला हमारा सेकंड स्टेप है और ये वाला हमारा थर्ड स्टेप है सॉर्टिंग। तो फिर इसमें से फिर इसके बाद क्या हो रहा है, 2 आ रहे हैं। फिर दोस्तों सॉर्टिंग के बाद दोस्तों हमें की जाती है रिमूविंग ऑफ बर्स। फिर रिमूविंग ऑफ बर्स करने के बाद इसे कार्डिंग की जाती है। कार्डिंग के बाद हमारा डाइंग की जाती है, और डाइंग करने के बाद हमारे यार्न, डाइंग करने के बाद हमारा जो यार्न होती है वो आती है, जो डाइंग होती है, डाइंग करने के बाद दोस्तों हम उसे पहले स्पिनिंग करते हैं, और स्पिनिंग के बाद हमारा यार्न आती है। फिर दोस्तों यार्न आने के बाद यार्न को हम फिर से वीविंग करते हैं, यार्न का वीविंग करने के बाद हमारा फैब्रिक आता है। तो दोस्तों इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो वाला हमारा ए वाला है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको कोई डाउट हुई इस वीडियो पे तो इस पे कमेंट पे भेजना।